शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच प्रशासन को नागरिकों को मुफ्त में रेमडेसिविर, ऑक्सीजन सिलेंडर और स्वास्थ्य सेवाएं देनी चाहिए। ऐसी मांग करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी ने पालक मंत्री नितिन राउत को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर नगराध्यक्ष प्रेम बसंतानी, उप विभागीय अधिकारी चंद्रवान खंडाई, तहसीलदार श्री राम मुंदड़ा, मुख्याधिकारी अनिल जगताप, तहसील आरोग्य अधिकारी डॉक्टर कीर्ति कुजेवार, संजय बोथरा, जेठानंद राजपूत, किरण वैद और मान्यवर की मौजूदगी थी। बढ़ते बाधितों की संख्या की वजह से शहर के दोनों लसीकरण केंद्र पर भारी भीड़ हो रही थी। लसीकरण के लिए घंटों खड़ा रहना पड़ता था। उधर प्रशासन भी सभी का लसीकरण करवाने के लिए पूरे जोर शोर से प्रयास कर रहा है। शहर के आबाद इलाके ऊपर है, ऐसे हालात में इन दो केंद्रों पर भारी दबाव पड़ रहा था। अब शहर के मध्य में केंद्र शुरू होने से लसीकरण को गति मिलने की उम्मीद की जा रही है। प्रवीण पाटिल, वंचित बहुजन आघाड़ी उत्तर नागपुर का अध्यक्ष। आज आमचं हे निवेदन देने मागचं कारण है कि हा कोरोना काळामध्ये हा लॉकडाऊन शासनाने लावला आहे, लोकांचे कामधंदे बंद केले, रोजगार बंद केला, रोजगारांना सामान्य जनतेला इथं खायला व्यवस्था नाही आहे आणि ह्या बिमारीच्या कारणामुळे लोकांना अतोनात खूप त्यांना परिश्रम करावं लागतं आहे, त्यांचं जीवन हलाकीचं झालेलं आहे। आता त्यांनी जीवन जगावं की त्यांनी अति औषधोपचार करावा, त्यांनी कोणत्या पद्धतीने जगायचं आहे, ह्या शासनाने ह्या सरकारने सामान्य लोकांची अशी पिळवणूक करून त्यांना जीवघेणे बिमारीला महामारी करून घोषित तर केलं आहे। अरे जेव्हा तुम्ही महामारी घोषित केली तर सर्वसामान्यांचा सर्व स्वास्थ्य संबंधीच्या सुविधा ह्या शासनाने निःशुल्क पुरवायला पाहिजे होता। तो कोणत्या सरावाचा व्यक्ती असो, शेवटी तो आपल्या राज्याचा व्यक्ती आहे, आपला जिल्ह्यातला तो सामान्य व्यक्ती आहे, तर त्यांच्या सर्वांच्या। बीसीएन न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी एनोरकर की रिपोर्ट।